अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, दैट इज़ ऑन प्रोग्रामिंग इन सी। हम इसको स्टडी करेंगे डिटेल में, वी विल सी। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू नो कि हमने किस तरीके से स्टार्ट किया था। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू गाइस, हमने जब पिक स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले पिक का एक जेनेरिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो कि मैंने आप लोगों को दिया था एक वीडियो लेक्चर के थ्रू। देन हमने उसके बाद स्टडी किया थे पिक की प्रोग्रामिंग, जो कि एक जनरलाइज्ड ऑपरेशंस की जो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर हमने वो प्रोग्रामिंग देखी थी। उसमें हमने उसमें देखा था कि आईओ ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि हम किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सॉर गेट वगैरह के। हमने उसमें स्विच केस की स्टेटमेंट्स, इफ एल्स की स्टेटमेंट्स भी देखी थी। देन अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ योर क्लास फेलो कि आप आर्किटेक्चर लेवल पर भी डिस्कस करें, हमने फिर डेटा शीट पर मूव हो गए थे, जहाँ हमने 2 वीक्स स्पेंड किए एंड वी स्टडीड द डेटा शीट ऑफ पिक माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है, जिसमें हमने 16F को स्टडी किया। हमने उसके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी देखे, आर्किटेक्चरल लेवल पे भी स्टडी किया, उसका मेमोरी मैप भी देखा, उसका जो रैम की साइड थी वो भी देखी, एज वेल एज द रोम साइड, ठीक है। उसके बाद सिंस अब वो हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, नाउ वी आर अगेन बैक टू द प्रोग्रामिंग पार्ट, दैट इज पर्टिकुलरली इन सी लैंग्वेज। एंड इसके अंदर हम लोग जो है वो टाइमर्स एंड काउंटर्स को स्टडी करेंगे सबसे पहले, एंड देन वी विल स्टडी द सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, जो मैं टाइमर्स और काउंटर्स की बात कर रही हूँ कि हम उसको स्टडी करेंगे, उसमें ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं एक स्पेसिफिक किसी काउंटर पिक कंट्रोलर की बात नहीं कर रही, मैं एक फैमिली को डिस्कस करूँगी। एंड फॉर एग्जांपल आपकी जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ, दैट इज़ मजीदी, दैट इज़ योर एक्चुअली कोर्स बुक, एंड इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने लिया हुआ कंट्रोलर, दैट इज़ पिक 18F, ठीक है। तो हम पिक 18 को ही लेके चलेंगे और हम इसके टाइमर्स को देखेंगे, इसके टाइमर की ऑपरेशंस को देखेंगे। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम मैं सारे मोड्स नहीं डिस्कस करूंगी, आई विल बी जस्ट डिस्कसिंग वन मोड, दैट इज़ मोड 0 या मोड 1, अभी हम आगे देखते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। मैं सारे मोड्स में डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट जो आप स्टार्ट में अपने माइंड क्लियर कर लें कि अगर किसी कंट्रोलर में एक टाइमर है, जो कि जैसे हमने पिक 16F डिस्कस किया था, या किसी कंट्रोलर में 3 टाइमर्स हैं जैसे कि पिक 18 की फैमिली है, तो सब टाइमर्स की प्रोग्रामिंग एक ही तरीके से होगी, कोडिंग एक ही तरीके से होगी, फ़र्क सिर्फ ये होगा कि रजिस्टर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो हम एक का जब समझ लेंगे रजिस्टर्स कैसे हैं, तो बाकी भी हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, सही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम आगे चलेंगे, एंड वी विल सी दैट हाउ कैन वी प्रोग्राम पिक 18 टाइमर्स इन सी, राइट। ओके, सबसे पहला पिक 18 के हम टाइमर को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टाइमर 0 की अगर मैं बात करूं पिक 18 की, आई हैव टोल्ड यू कि इसमें 3 टाइमर्स होते हैं, टाइमर 0, टाइमर 1, टाइमर 2 एंड टाइमर 3। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम हम सिर्फ टाइमर 0 को डिस्कस करते हैं, इसके मोड्स को भी देखेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो इट हैज़ बेसिकली 2 मोड्स, 8-bit मोड एंड अ 16-bit मोड, ठीक है। वाई दिस हाईलाइटर इज नॉट ओके, लेट मी ऑन द लेज़र फर्स्ट। 8-bit मोड है इसके अंदर, एक 16-bit मोड है। यू ऑल नो दैट कि आर्किटेक्चर लेवल पे हम 8-bit पे बात कर रहे होते हैं, तो अगर हम 16-bit मोड में काम करेंगे तो हमें 2 रजिस्टर्स चाहिए होंगे, दैट दीज आर द 2 रजिस्टर्स। सिमिलरली जैसे 8051 में थे, एक है आपके पास टाइमर 0 का लोअर पार्ट, एक है आपका टाइमर 0 का हायर बाइट, ठीक है। लोअर बाइट स्टार्ट फ्राम D0 एंड जेड D7 एंड वेर इज हायर बाइट एंड स्टार्ट एट D8 एंड एंड जेड D15, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट। उसके बाद जैसे हमने वहाँ पे एक रजिस्टर पढ़ा था इन 8051, टी कॉन रजिस्टर, टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, सिमिलरली यहाँ पे भी वही रजिस्टर मौजूद है, इट नेम्ड एज T0CON, टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर। ये आपका 8-bit का रजिस्टर है, जिसमें पहली बिट इज़ द टाइमर 0 ऑन, यानी कि अगर आप इस टाइमर को ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप 0 लिखेंगे, ठीक है, दिस इज़ अ कंट्रोलिंग बिट। फिर हमारे पास है टाइमर 0 8-bit, अगर आप इसको 8-bit में प्रोग्राम करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 मोड में काम करता है, 16-bit में भी करता है, 8-bit में भी करता है, तो अगर आप इसको 8-bit की तरह चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे बिट को 1 सेट करेंगे, अगर 0 सेट करेंगे तो ये 16-bit में होगा, ठीक है। फिर हमारे पास मैंने आपको बताया है कि टाइमर्स जो हैं वो टाइमर्स की तरह भी काम करते हैं और काउंटर्स की तरह भी काम करते हैं। टाइमर्स और काउंटर्स में फ़र्क क्या है कि अगर आप उसको डिलेइंग ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनल क्लॉक को इस्तेमाल कर रहे हैं, देन इट इज़ अ टाइमर, एंड इफ़ यू आर यूजिंग एन एक्सटर्नल पल्सेस या आप किसी एक्सटर्नल पल्सेस को काउंट कर रहे हैं तो वो काउंटिंग मोड होगा, ठीक है। तो अगर आप एक्सटर्नल क्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपके पास RA4 पिन पे आ रहा हो, तो हम यहाँ पे लॉजिकल 1 सेट कर देंगे, और अगर आप इंटरनल ऑसिलेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस विल बी वैल्यू विल बी सेट टू 0, ठीक है, यानी कि टाइमिंग मोड में वैल्यू विल बी 0 एंड काउंटिंग मोड में टाइमिंग वैल्यू विल बी 1, ठीक है।
फिर हमारे पास है टी ओ एस ई बिट, दिस इज़ बेसिकली द एज सेलेक्ट बिट। एज सेलेक्ट बिट क्या है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है काउंटिंग मोड में, तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल की आप हाई टू लो ट्रांजिशन पे इसको ट्रिगर करें तो आप यहाँ 1 सेट करेंगे, अगर यहाँ लो टू हाई ट्रांजिशन पे ट्रिगर करें तो आप यहाँ 0 सेट करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास पी एस ए की बिट है, दैट इज़ द प्री स्केलर बिट। अगर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था प्री स्केलर का, पूरा हमने बहुत डिटेल में देखा है, अगर आप प्री स्केलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 सेट करेंगे एंड अगर नहीं करना चाहते तो 0 सेट करेंगे। क्यों हम प्री स्केलर करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हम डिले को मज़ीद इन्हांस कर सकें, मज़ीद बढ़ा सकें, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि आप प्री स्केलर कितना करना चाहते हैं। सो दीज आर द 3 बिट्स दैट आर अवेलेबल फॉर यू, कि आप उसको मज़ीद हाफ करना चाहते हैं, क्वार्टर करना चाहते हैं, 1/8 करना चाहते हैं, 1/16 करना चाहते हैं या 1/256 करना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ रजिस्टर जिसमें ये सारी 8 बिट्स अवेलेबल हैं और इन्हीं के थ्रू हम टाइमर 0 को कंट्रोल करेंगे, उसका मोड देखेंगे, उसकी क्लॉक की सोर्स देखेंगे, उसका उसको ऑन या ऑफ करेंगे, उसका प्री स्केलर डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है यहाँ पे कि ये आपको पेपर में अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी इसके रिगार्डिंग तो दिस रजिस्टर विल बी गिविंग टू यू, आपको ये 8 बिट्स गिवन होंगी। अब ये हैं क्या बिट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या हो सकता है मैं ये सारी चीज़ें ही आपको दे दूँ। अब आई आई गिव यू कंप्लीट दिस थिंग, कंप्लीट टेबल, ठीक है। अब एक हमारे सामने एग्जाम्पल 9-1 है ऑफ योर बुक मजीदी, फाइंड द वैल्यू ऑफ T0 कॉन इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोग्राम टाइमर 0 इन 16 बिट मोड। अब हम अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे सामने लिखी हुई है कि हमें इसको करना है 16 बिट मोड के अंदर, कोई प्री स्केलर ना हो एंड ऑसिलेटर हमें क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करना है और पॉजिटिव एच पे इंक्रीमेंट हो। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, अभी हमें इसने ये नहीं कहा कि ऑन करना है ट्रांजिस्टर को, सिर्फ प्रोग्राम करने को बोला है। सो दिस विल बी 0, कितने मोड में काम करना है 16, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 0 होगा क्योंकि अगर हमें 8 बिट होगा तब यहाँ पे हम 1 रखेंगे, ठीक है। सी एस की सोर्स क्या है, हम जो है वो इंटरनल क्लॉक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0 अगेन, क्योंकि इन्होंने बोला है इंक्रीमेंट हो पॉजिटिव एच के ऊपर, तो यानी कि इट्स एज फ्रॉम द लो टू हाई एच, पॉजिटिव एच, दिस इज़ अगेन 0। प्री स्केलर हमारे पास कोई भी सेट नहीं होगा, सो द वैल्यू वुड बी अगेन 0। प्री स्केलर की वैल्यू अगर आपने बाईपास करना है, ऐसा हमें बाईपास करना है, हमें यूज़ नहीं करना, तो वैल्यू वुड बी 1। एंड क्योंकि कोई भी वैल्यू हम नहीं, तो दिस इज डोंट केयर स्टेट, या मैं यहाँ पे कह सकती हूँ वुड बी 0, 0, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर 0001000। सो ये आपके पास T0 कौन को आपने प्रोग्राम कर दिया, सही है। तो इस तरह से आप अपनी कंडीशंस को देखते हुए इसमें एक वैल्यू सेट करेंगे। फाइंड द टाइमर्स क्लॉक फ्रीक्वेंसी, एक और हमारे सामने न्यूमेरिकल आ रहा है एंड इट्स पीरियड, हमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, पीरियड फाइंड आउट करना है विद द फॉलोइंग क्रिस्टल फ्रीक्वेंसीज 10, 16 and 4 MHz, एज्यूम दैट देर इज नो प्री स्केलर बींग यूज। अच्छा, आपको बताया था मैंने कि पिक कंट्रोलर में जो आपकी क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो 1/4 हो जाती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर आपको याद हो हम 8051 में डिवाइडेड बाय 12 करते थे क्लॉक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए, पिक कंट्रोलर में हम डिवाइडेड बाय 4 करते हैं क्लॉक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए, ये हम ऑलरेडी डेटा शीट में भी देख चुके हैं। सो हमने क्या किया है, हमने अपने 10 मेगाहर्ट्ज़ को डिवाइडेड बाय 4 किया, वी गेट 2.5 मेगाहर्ट्ज़, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, इसका 1/2 आंसर रेसिप्रोकल लिया, वी गेट द टाइम पीरियड 0.4 माइक्रोसेकंड्स। सिमिलरली 16 मेगाहर्ट्ज़ को भी हमने डिवाइड बाय 4 किया, वी गेट द फ्रीक्वेंसी एंड देन वी सिंपली रेसिप्रोकल इट एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, एंड सेम फॉर योर लास्ट केस। तो ये बात याद रखिए फॉर पिक कंट्रोलर्स, यूर हमें ऑलवेज रिमेंबर दैट योर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड बाय 4 एंड इन 8051 इट इज डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद एक और जो रजिस्टर इस्तेमाल होता है दैट इज़ द टाइमर 0 IF, दैट इज़ द फ्लैग, जो कि इसका आप कह लीजिए जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, 8051 में पढ़ा था कि एक फ्लैग होता है TF फ्लैग, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपका टाइमर जो है वो ओवरफ्लो कर चुका है। सिमिलरली टाइमर 0 के अंदर जो फ्लैग इंडिकेट करे कि हमारा मैंने टाइमिंग काउंटिंग पूरी कंप्लीट कर ली है, टाइमर ओवरफ्लो होने वाला है, दैट इज़ टाइमर 0 IF फ्लैग, ठीक है, टाइमर 0 ओवरफ्लो फ्लैग। ये फ्लैग कहाँ होता है, ये आपका इंट कॉन रजिस्टर में होता है, ये भी आपको याद होगा हमने डेटा शीट में देखा था। तो इंट कॉन की बिट नंबर सेकंड, दिस इज बिट नंबर 0, बिट नंबर 1, बिट नंबर सेकंड, बिट नंबर सेकंड पे ये जो आपका बिट है ये रिजाइड करती है। अगर ये वैल्यू 0 है इसका मतलब है कि टाइमर आपका ओवरफ्लो नहीं हुआ है, अगर ये 1 हो गई है देन इट्स मीन्स दैट योर टाइमर 0 हैज़ बीन ओवरफ्लो, ठीक है। अच्छा, वो ये आपका ओवरफ्लो हो चुका है, यानी कि अगर मैं इस फिगर में देखूं तो बेसिकली क्या है कि एक ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी पहले 4 से डिवाइड होगी ताकि क्लॉक फ्रीक्वेंसी बन जाए,
फिर अगर यहाँ से हमारे पास ये आ रही है, अगर मैंने टाइमर जीरो को ऑन किया है, अगर मैंने टाइमर को वन दिया है, तो जो कुछ भी यहाँ होगा वो आगे जाता जाएगा और यहाँ पे काउंटिंग चलती जाएगी, ठीक है। और ये काउंटिंग जैसी कंप्लीट हो जाएगी ओवरफ्लो वाले मोड से पहले पहले एक दफ़ जब जैसी होने लगेगा ओवरफ्लो, इट विल पुट दिस फ्लैग हाई, टाइमर जीरो इंटरप्ट फ्लैग को ये हाई कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं 16 बिट में बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ये होगी, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू 16 वंस होंगे, जिसका मतलब ये एफ 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 हेक्साडेसिमल में। अगर मैं 8 बिट की बात कर रही हूँ तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ये होगी और हाईएस्ट पॉसिबल क्या होगी, एफ एफ, यानी कि 8 वंस, यानी कि 256, टू बी एग्जैक्ट 255। तो 255 वैल्यू पे जाने के बाद ये जब ओवरफ्लो होगा इट विल कम टू 256 एंड ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। कैसे टाइमर्स को हमने प्रोग्राम करना है, जैसे कि हमने पहले किया था वैसे ही, हमने 8051 में किया था वैसे ही दोबारा से करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अगर मैं 10 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि कॉमनली हम वही यूज़ करेंगे, तो 10 मेगाहर्ट्ज़ को आपने डिवाइडेड बाय 4 किया, यू विल गेट 2.5 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। एंड देन यू विल सिंपली रेसिप्रोकलेट 1/2.5 मेगाहर्ट्ज़, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट टाइम पीरियड वुड बी इक्वलेंट टू हाउ मच, इट विल बी इक्वलेंट टू 0.4 माइक्रोसेकेंड्स, दैट हैज़ बीन रिटन हेयर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे 500 मिलीसेकंड का डिले चाहिए, 100 मिलीसेकंड का डिले चाहिए, तो आई विल यू विल सिंपली डिजायर्ड यू विल डिवाइड योर डिजायर्ड टाइम डिले बाय दिस वैल्यू, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगी, तो अगर आप 16 बिट मोड में काम कर रहे हैं तो आप उसको 65536 से माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हम अपनी उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके टाइमर 0L और टाइमर 0H में सेव कर देंगे। सेम वही मेथड है जो कि हमने 8051 में इस्तेमाल किया था, राइट, देयर इज नो नथिंग डिफरेंट। अब आपके सामने एक अदद एग्जांपल पहले देख लेते हैं, 9-11, फाइंड द वैल्यू फॉर टीकॉन इफ वी वांट टू प्रोग्राम टाइमर जीरो इन 16 बिट मोड, यानी कि यहां से हमें 16 बिट मोड में काम करना है, ठीक है, विद अ प्री स्केलर ऑफ 64, यानी कि प्री स्केलर को हमें इस्तेमाल करना है और कितना यूज करना है 64 का, यानी कि दिस वन, ठीक है। एंड यूज इंटरनल क्लॉक, यानी कि हमें इंटरनल क्लॉक इस्तेमाल करनी है, एंड वी हैव टू यूज फॉर द पॉजिटिव एज, यानी कि वी हैव टू यूज फॉर द आप ये कह लीजिए कि हाई टू लो वाली पिन है, ये वैसे ये चीज़ वैसे भी इग्नोर्ड हो जाती है व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द काउंटर्स, ठीक है। तो अब मैं अगर वैल्यू देखूँ तो दिस वैल्यू वुड बी जीरो, दिस वैल्यू वुड बी जीरो, दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी जीरो, दिस विल ऑल्सो बी जीरो, और यहाँ भी क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगी। एंड कौन सी वैल्यू चाहिए, 101 वाली चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है इधर, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे 101। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या बना, 0000, दीज आर फोर जीरोस, एंड देन वी हैव 0101, दैट इज हेयर, ठीक है। सो हेयर वी विल हैव इज 16 बिट मोड, एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स एंड प्री स्केलर ऑफ 64। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टाइमर्स क्लॉक फ्रीक्वेंसी एंड इट्स पीरियड फॉर वेरियस पिक 18 बेस सिस्टम्स विद द फॉलोइंग क्रिस्टल फ्रीक्वेंसीज। पहले हमने यही काम किया था, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्री स्केलर भी हम यूज कर रहे हैं 64 का। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड, आपने सबसे पहले 10 मेगाहर्ट्ज़ लिया, इसको डिवाइड बाय 4 किया, यू गेट 2.5 मेगाहर्ट्ज़, ये तो हम नॉर्मली भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्री स्केलर की ज़रूरत है इसलिए अब हम इसको डिवाइड बाय 64 फर्दर करेंगे एंड वी विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। एंड इसके ऊपर जब मैं अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास आ रहा है 25.6 माइक्रोसेकेंड्स। तो अब अगर मैं ये प्री स्केलर नहीं यूज़ करती तो अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि वहाँ टाइम पीरियड आ रहा था 0.4 माइक्रोसेकेंड्स, ठीक है। तो 0.4 कितना छोटा है, हमने प्री स्केलर को इंट्रोड्यूस करने से इसका डिले को बढ़ा दिया, इसके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया टू द 25.6 माइक्रोसेकेंड्स। एंड सेम प्रोसीजर वी हैव डन विद द 16 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 16 मेगाहर्ट्ज ने भी पहले डिवाइड बाय 4 किया, वी गेट 4 मेगाहर्ट्ज, देन वी डिवाइड बाय 64, वी गेट दिस हर्ट्ज 62500 हर्ट्ज, एंड देन वी हैव डन सिंपली 1/ रेसिप्रोकल ऑफ बेसिकली 6 to 500, वी गेट 16 माइक्रोसेकेंड्स। तो हम बेसिकली प्री स्केलर इस्तेमाल करके डिले को इन्हांस कर सकते हैं। Assume now there is an example 9-14. Assume Extel is equal to 10 megahertz. Find the clock period fed into timer 0 if pre-scaler option of 256 is chosen. तो आपने क्या करना है, 10 को डिवाइड करेंगे 4 से ताकि नॉर्मल क्लॉक फ्रीक्वेंसी आए, क्योंकि प्री स्केलर इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो दोबारा डिवाइड बाय 256 करेंगे, वी विल गेट 9765.625 हर्ट्ज़।
एंड देन आप इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो यू विल गेट 1024 माइक्रोसेकंड्स। ठीक है, पार्ट बी क्या है इसका, शो व्हाट इज द लार्जेस्ट टाइम डिले वी कैन गेट यूजिंग दिस प्री स्केलर ऑप्शन। हमें कितना लार्जेस्ट टाइम डिले किस तरह से मिलेगा, हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे मेंशन हुआ है टू गेट द लार्जेस्ट डिले वी मेक टाइमर जीरो लोअर पार्ट एंड हायर पार्ट बोथ जीरो। जीरो से क्या होगा कि पहले मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन भी की थी कि आपका का टाइमर चलते किस तरीके से हैं, कि अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है 55 फॉर एग्जांपल, इनके रजिस्टर्स के अंदर, इन रजिस्टर्स के अंदर ये वैल्यू रखी है, तो ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा, करते 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 कहाँ तक पहुँचेगा, 65536 तक पहुँचेगा एंड देयर इट गेट ओवरफ्लो और टाइमर बंद हो जाएगा। ठीक है, इससे जितना टाइम पास होगा वो उतना हमारे पास डिले आ जाएगा। अगर मुझे लार्जेस्ट डिले करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगी फ्रॉम ज़ीरो, इससे पीछे से काउंटिंग स्टार्ट हो नहीं सकती और यहाँ से यहाँ तक जाने का मैक्सिमम टाइम होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमने इसलिए यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो रखी, इस काउंटिंग में जितना टाइम पास होगा उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर यही प्री स्केलर ऑप्शन इस्तेमाल हुआ होगा तो कितना डिले आएगा। आपने इसको 1024 माइक्रोसेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि क्योंकि हमारी एक क्लॉक का टाइम पीरियड इतना है, इतने क्लिक्स, इतने टिक्स हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, यानी कि मैं ज़ीरो से चली 1 2 3 4 5 6 करते 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 आई कम हेयर एट 65536 तक। हर पॉइंट पे जितना मेरा टिक इस्तेमाल हुआ वो कितना है, 1.024 मिली सेकेंड्स, सॉरी 1.1024 माइक्रो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स में 1.024। आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द लार्जेस्ट टाइम डिले जो कि आ गया 67 सेकेंड्स का। यानी कि एक टाइमर पिक कंट्रोलर जो कि 10.8 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है और अगर हमने उसमें 256 का प्री स्केलर इस्तेमाल किया है तो हमारे पास अराउंड 67 सेकेंड्स का डिले आ सकता है, दैट इज़ मोर देन अ मिनट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हम इतना डिले इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी अ प्रोग्राम हियर, वी हैव दिस प्रोग्राम, राइट अ C18 प्रोग्राम टू टॉगल ऑल द बिट्स ऑफ पोर्ट बी कॉन्टिन्यूसली। टॉगल करना है आपने विद सम डिले, डिले की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपकी जो दिल चाहे आप वैल्यू लिख सकते हैं। यूज टाइमर 0 16 बिट मोड नो प्री स्केलर। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की, फिर मैंने जो एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है डिलेइंग का फंक्शन, वो मैंने ऊपर एक डिफाइन किया है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ठीक है, सॉरी डिक्लेयर तो हमने यहाँ पे किया हुआ है, डिफाइन हमने ऊपर किया है एंड देन वी हैव वॉइड मेन वॉइड। उसके बाद मैंने क्योंकि पोर्ट बी की बिट्स को खेलना है, पोर्ट बी की बिट्स को मैंने टॉगल करना है, दैट मीन्स देयर आउटपुट, तो मैंने सबसे पहले पूरी पोर्ट बी को ज़ीरो डिफाइन किया कि इट्स एन आउटपुट। ठीक है, क्योंकि ये काम कॉन्टिन्यूसली करना है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा व्हाइल वन, एंड क्योंकि मुझे टॉगल करना है तो मैं आपको पहले भी लॉजिक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमने पोर्ट बी पे पहले 0x55 भेजा, यानी कि 0101 0101 भेजा और फिर मैं एक डिले का फंक्शन कॉल करने के बाद दोबारा से उसमें AA भेज रही हूँ, यानी कि 1010010, तो वो टॉगल होता रहेगा, बार बार यही चीज़ चलती रहेगी। मेन पर्पज़ हमारा क्या, ये सब चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं, मेन पर्पज़ हमारा ये डिले का फंक्शन है। क्योंकि स्पेसिफिक कोई डिले मेंशन नहीं है इसलिए आपका जो दिल चाहे आप टाइमर 0H में लिख दीजिए, टाइमर 0L में लिख दीजिए, इट्स अप टू यू। 16 बिट मोड है एंड हमारे पास वो है, तो T0 कौन को देख लेते हैं, T0 कौन में दिस वुड बी 0, 16 बिट मोड है, दिस विल ऑल्सो बी 0। ठीक है, क्लॉक की सोर्स हम इंटरनली यूज़ कर रहे हैं, डिलेइंग का काम है तो दैट वुड बी हेयर 0 अगेन, एच ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि कोई प्री स्केलर नहीं है, वी हैव टू बाईपास इट, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, नो प्री स्केलर, तो इसलिए हम इसको बाईपास करें, हमने यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ पे 0 0 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बना, 0 0 0 यानी कि ये वाला 0 एंड 1000 इज दिस, 1000 इज 1000 विच इज 8। तो हमने टी कॉन में ये डाला, टाइमर 0H एंड टाइमर 0L में हमने अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दिया बिकॉज कोई भी स्पेसिफिक डिले मेंशन नहीं है। फिर हमने क्या किया, मैंने T0 कॉन यानी कि जो ये रजिस्टर है मेरा T0 कॉन की बिट्स, इसका तरीका का जैसे हम यहाँ लिखते हैं ट्रिस बी बिट्स डॉट, जिसको भी हमें करना होता है एड्रेस, तो हमने यहाँ पे भी यही लिखा T0 कॉन बिट्स डॉट कौन सी बिट, टाइमर 0 ऑन की बिट, इसको 1 कर दो यानी कि टाइमर को ऑन करो, जैसे आप 8051 में करते थे सेट बिट TR0 यानी कि टाइमर रन को स्टार्ट कर दो, सेट कर दो बिट को। सिमिलरली हमने यहाँ पे वही काम किया, हमने लिखा टाइमर 0 ऑन कौन है, वो ये बिट है आपकी, और ये कहाँ रिजाइड करती है, ये रिजाइड करती है T0 कॉन के रजिस्टर के अंदर। ठीक है, एंड इसमें हमने क्योंकि हम एक बिट को स्पेसिफाई करें इसलिए हमने यहाँ पे लिखा बिट्स डॉट दिस इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम इसका जो फ्लैग है वो कहाँ पे, वो इंट कॉन रजिस्टर में, तो हम जैसे वहाँ पे मॉनिटर करते थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे, वाइल इंट कॉन की बिट्स डॉट टाइमर 0 IF, यानी कि इंट कॉन रजिस्टर में जो
बहुत सारी बिट्स हैं, मैं कौन सी बिट्स की बात कर रही हूँ, टाइमर जीरो आई एफ की बात कर रही हूँ। टाइमर जीरो आई एफ को चेक करते जाओ, क्या वो जीरो है, अगर वो जीरो है तो वो यहीं पे रुका रहेगा, वाइल के आगे सेमी कॉलन है, इसका मतलब है कि यहीं यहीं वेट करता रहेगा। जैसे ही ये फ्लैग हाई होगा इसका मतलब है टाइमर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, वो दोबारा से आपके टाइमर को ऑफ करेगा, टी जीरो कॉन बिट्स डॉट टाइमर जीरो ऑन, यानी कि इस ऑन की बिट को वो ऑफ कर देगा, जीरो फ्लैग को ऑफ करेगा जिसको पहले उसने यहाँ पे चेक करा था उसको भी ऑफ करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग आपका हाई हो गया था, इसको ऑफ करेगा एंड दैट्स इट। इन दिस मैनर वी सिंपली प्रोग्राम आर टाइमर्स। ठीक है, और भी एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा। अनदर एग्जांपल हमारे सामने है, राइट अ सी 18 प्रोग्राम टू टॉगल ओनली द पोर्ट बी डॉट 4 बिट कॉन्टिन्यूसली एवरी 50 मिली सेकेंड्स, यूज टाइमर 0 16 बिट मोड 1:4 प्री स्केलर टू क्रिएट द डिले, एज्यूम एक्सटेल इज इक्वल टू 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है जी, ओके सबसे पहले हमने अगेन वही सेम काम किया, अपनी लाइब्रेरी डिफाइन की है, देन वी हैव डिफाइन द फंक्शन void टू डिले, void जो भी आपने फंक्शन को यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैंने यहाँ पे मेंशन ये किया कि मेरे पास जो पोर्ट बी बिट्स डॉट आर बी फोर, मुझे किसको खेलना है, मुझे पोर्ट बी की बिट नंबर 4 को खेलना है। तो मैंने जब भी, एक बात याद रखिए, जब भी आप किसी 8 बिट की चीज़ को छेड़ रहे हैं, चाहे वो टी जीरो कॉन हो, चाहे वो इंट कॉन का रजिस्टर हो, चाहे वो पोर्ट बी का हो, चाहे वो ट्रिस रजिस्टर हो, उसमें से किसी एक बिट की बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए उसमें आपने लिखना होगा उस रजिस्टर का नाम, जो भी उस रजिस्टर का नाम है, जैसे कि ये पोर्ट बी है, उसके बाद लिखना होगा बिट्स स्मॉल में BITS बिट्स, बिट्स कौन सी बिट है उसका आगे नाम लिख देना होगा। ठीक है, यही प्रोसीजर हम हर जगह फॉलो करेंगे। तो मैंने पोर्ट बी को बात कर रही हूँ, दैट इज 8 बिट, तो मैंने लिखा पोर्ट बी बिट्स, और कौन सी बिट की बात हो रही है 4 की, तो मैंने यहाँ लिख दिया RB4। ठीक है, इसको मैंने अपना कोई नाम दे दिया माई बिट, आप देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहते मत डिफाइन करें, इट्स अप टू यू। void main void का फंक्शन क्या, फिर क्योंकि हमें पोर्ट बी को करना है, उसी से प्ले करना है, तो उसको मुझे आउटपुट डिफाइन करना होगा। अगेन मैं पूरे पोर्ट को नहीं करी, एक को करना है, तो एक को करने का तरीका क्या है कि पहले सबसे पहले रजिस्टर का नाम लिखिए, दैट इज ट्रिस। ठीक है, और उसके बाद ट्रिस बी की बात हो रही है, क्योंकि पोर्ट बी की बात हो रही है, फिर क्योंकि मैं पूरे पोर्ट की बात नहीं कर रही, एक बिट की बात कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ लिखना होगा बिट्स। जब कभी भी एक बिट से खेलना है तो हमें ये मेंशन करना होगा कौन सी बिट, डॉट ट्रेस बी फोर, बिट नंबर बी फोर, ट्रेस बी फोर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया आर बी फोर, इस तरह से यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रेस बी फोर, इसको मैंने डिफाइन कर दिया आउटपुट विच इज इक्वल टू जीरो, तो मैंने यहाँ जीरो डिफाइन कर दिया। क्योंकि ये काम कॉन्टिन्यूसली करना है इसलिए हमने वाइल वन का लूप लगाया, और ये बिट जो है हमने इसको क्या करना है, टॉगल करना है, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे लिख दीजिए माई बिट इज इक्वल टू 1, डिले का फंक्शन कॉल करिए, देन लिखिए माई बिट इज इक्वल टू 0, डिले का फंक्शन कॉल करिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये मेथड भी सही है, आप चाहें तो एक्सोर गेट का फंक्शन यूज़ कर लें कि बार बार वो अपने आप से एक्सोर होगा तो वो टॉगल होता चला जाएगा। वन एक्सोर वन इज 0, 0 एक्सोर वन इज 1। ठीक है, तो आप बार बार खुद, यहाँ पे इन्होंने ये फंक्शन इसमें ये वाला इस्तेमाल किया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, नॉट एक्सोर, बिकॉज एक्सोर का टेबल हमारे पास क्या होता है, 0 एक्सोर 0 इज 0, 0 एक्सोर 1 इज 1, एंड 1 0 इज 1, एंड 1 1 इज 0। ठीक है, तो ये एक्सोर का फंक्शन होता है, तो अगर आपकी पहली बिट थी 0 तो अब आप उसको जब एक्सोर करेंगे 1 के साथ तो वो बिट चेंज होके क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, एंड जब आप 1 को 1 अगर ये बिट होगी उसको एक्सोर करेंगे 1 के साथ तो दोबारा से बिट 0 हो जाएगी। तो अगर हम किसी नंबर को क्या कहते हैं 1 को, सॉरी ये 1 को एक्सोर आप 1 से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 0 को एक्सोर 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अगर मुझे किसी बिट को टॉगल करना होता है तो मैं उसको 1 के साथ एक्सोर करती हूँ, लाइक दिस, दिस इज बीइंग एक्सोर विद 1, इट गेट चेंजेस, दिस इज बीइंग एक्सोर विद 1, इट दिस गेट ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये ऑपरेशन इस्तेमाल किया हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माई बिट इज इक्वल इन टू माई बिट, दोबारा से लिख दीजिए XOR का साइन ये है एंड 1। ठीक है, सो दिस यू कैन डू दिस टू। तो अब आपको मैंने तीन मेथड सिखा दिए हैं क्वेश्चन करने के, दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, तो हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। वन मेथड इज़ दिस वन, सेकंड मेथड इज़ दिस वन, एंड थर्ड मेथड इज़ कि आप इसमें पहले इज इक्वल टू 1 लिखिए, डिले के फंक्शन को कॉल करिए, फिर इज इक्वल टू 0 करिए, एंड डिले के फंक्शन को कॉल करके इसे ख़त्म कर, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, ओके अब हमें यहाँ पे बेसिकली प्रोग्राम करना है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइमर की प्रोग्रामिंग, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव है।
टाइमर जीरो का भी ऑन नहीं करना, सो इट इज़ ज़ीरो। 16 बिट में काम करना है, इसका मतलब दिस इज़ ऑल्सो ज़ीरो। क्लॉक की जो सोर्स है हमारे पास वो हमें इंटरनल इस्तेमाल करनी है, सो दिस इज़ बेसिकली ज़ीरो अगेन, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और हमें प्री स्केलर को इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब ये भी ज़ीरो होगा। एंड कौन सा प्री स्केलर है, 1:4, इसका मतलब है 001। तो अब मेरे पास ओवरऑल क्या बन गई स्टेटमेंट, 001 तो यहाँ आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे सही से लिखूँ तो दिस बिकम 0 0 0 0, ये चार जीरोस लिख लिए मैंने यहाँ वाले, एंड देन वी हैव 0 0 0 1। ठीक है, दिस इज़ 0 अगर मैं इसको हेक्स में कन्वर्ट करूँ, एंड दिस इज़ 1। तो मेरे पास T0 कॉन रजिस्टर में क्या चला गया, 0x01। ठीक है, फिर मुझे डिले बोला गया है 50 मिलीसेकंड्स का करने का, राइट। तो अब मैं अगर 50 मिलीसेकंड्स का, स्टेप नंबर वन क्या है कि आपने सबसे पहले 50 मिलीसेकंड्स को डिवाइड करना है किससे, अपने डिजायर्ड डिले को डिवाइड करिए 0.4 माइक्रोसेकंड से। और 0.4 माइक्रोसेकंड से कब करना है, जब आपका जो क्रिस्टल की वैल्यू है वो कितनी हो, 10 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ वो 10 मेगाहर्ट्ज़ ही है, क्योंकि यहाँ प्री स्केलर का भी इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो ये फर्दर भी डिवाइड होगा किस चीज से, 4 से, प्री स्केलर की वैल्यू से, जो भी 4 है। ये भी हमने पूरा देखा था कि आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो फर्दर डिवाइड हो जाती है, तो हमने इसको फर्दर डिवाइड किया 4 से। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 31250। ठीक है जी, अब 31250 जो आपकी वैल्यू आई है, अब आप इस वैल्यू को यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम योर 65536 में से आप माइनस करेंगे ये वैल्यू, आपके पास आंसर आएगा 85EE। ठीक है, ये आंसर जो भी डेसिमल में आएगा उसको हेक्स में कन्वर्ट करेंगे, 85EE आएगा। दिस इज़ द लोअर पार्ट, दिस इज़ द हायर पार्ट। लोअर पार्ट को आपने यहाँ लोड कर दिया, हायर पार्ट को आपने यहाँ लोड कर दिया। तो बस ये याद रखिए, जो भी डिले है उसको डिवाइड करेंगे 0.4 माइक्रोसेकंड से, अगर प्री स्केलर मौजूद है तो उससे भी डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 65536 से माइनस करेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर। जो भी आपका आंसर होगा उसको आप कन्वर्ट करिए हेक्स में, एंड वो वैल्यू टाइमर जीरो हाई एंड टाइमर जीरो लो बाइट में डाल दीजिए। ठीक है, बाकी हमारा सारा काम सेम वैसे ही है। हमने अगेन इस टाइमर को ऑन करना है, ऑन करने के लिए मेरे पास कौन सा रजिस्टर है, T0 कॉन रजिस्टर है। ठीक है, क्योंकि उसकी मैं एक बिट की बात करी हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, T0 कॉन बिट्स डॉट कौन सी बिट, टाइमर जीरो ऑन को हाई कर दो। फिर मुझे फ्लैग को मॉनिटर करना है, फ्लैग मेरा कहाँ पे है, वो इंट कॉन बिट्स में, तो मैं लिखूंगी इंट कॉन का रजिस्टर, क्योंकि मैं एक बिट की बात कर रही हूँ, तो बिट्स डॉट टाइमर जीरो IF इज इक्वल टू जीरो, जब तक वो फ्लैग आपका हाई नहीं हो जाता यहीं पे रुका रहे। जैसे ही वो फ्लैग हाई होगा आप इस वाली बिट को दोबारा से ऑफ कर देंगे, फ्लैग को भी ऑफ कर देंगे, एंड यू विल रिटर्न दैट फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब एक और हम देखते हैं न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, बट इट्स अगेन वेरी इजी न्यूमेरिकल, और थोड़ा सा लेंदी है बट कॉन्सेप्ट सिमिलर है। स्विच इज़ कनेक्टेड टू पोर्ट B.7, यानी कि हमारे पास एक अदद स्विच है जो कि कनेक्ट हुआ हुआ है, वी हैव दिस कंट्रोलर। ठीक है भाई, और इसकी जो पोर्ट बी है, इसकी पिन नंबर 7 के ऊपर जो है वो एक अदद स्विच कनेक्ट हुआ हुआ है, यानी कि अगर मैं स्विच को थोड़ा सा एक ब्लॉक की तरह ड्रॉ कर दूं फिलहाल, सो दिस इज़ अ स्विच जो कि कनेक्टेड है आपके पास, सही है। राइट अ C18 प्रोग्राम टू मॉनिटर द स्विच एंड क्रिएट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑन पोर्ट B.0। आपने 7 के ऊपर ये चीज़ है, आपने B.0 के ऊपर जो है वो कुछ फ्रीक्वेंसीज जनरेट करनी है, यानी कि आपने कोई वेव जनरेट करनी है। ठीक है, कुछ वेव जनरेट करनी है। अगर SW की वैल्यू 0 है, यानी कि स्विच जो है वो क्लोज ओपन है, आप कह लें चल नहीं रहा, क्लोज है, ओपन सर्किट हुआ हुआ है, देन इट इज़ 500 हर्ट्ज़। और अगर स्विच आपका क्लोज्ड है, यानी कि स्विच जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है, देन उस पर 750 हर्ट्ज़ की आपने जनरेट करनी है। टाइमर जीरो आपने इस्तेमाल करना है विथ प्री स्केलर फॉर बोथ ऑफ देम। तो प्री स्केलर जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं, 1:64 वाला यूज़ कर लेते हैं, आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो सबसे पहला काम है कि हमने जो है डिफ़ाइन की कि इसकी जो डायरेक्टरी है वो डिफ़ाइन की, देन वी डिफाइंड, जैसे हम क्योंकि पोर्ट बी को मैंने डिफ़ाइन किया, पोर्ट बी बिट्स डॉट RB0 जैसे पहले किया था, उसको माई बिट डिफाइन कर दिया, और RB7 पे स्विच कनेक्टेड है उसको मैंने स्विच डिफाइन कर दिया। ठीक है,
ये काम हम बहुत दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, इसलिए मैं इसकी जो है रिपीटेशन में नहीं जा रही। देन वी हैव अ डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन जो कि हमें डिले इंट्रोड्यूस करना है इतने हर्ट्स का, वो हमने यहाँ पे किया है। देन हमारे पास हमने इस पोर्ट को और इनपुट डिफाइन किया है, स्विच वाले को हम इनपुट डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रेस बी बिट्स डॉट ट्रेस बी 7 इज इक्वल टू 1 क्योंकि एज एन इनपुट डिफाइंड हुआ है, एंड पोर्ट बी 0 पर क्योंकि वेव जनरेट करनी है तो वहाँ पर हमने लिख दिया ट्रेस बी बिट्स डॉट ट्रेस बी 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि पोर्ट बी 0 की वैल्यू जो है वो आपकी आउटपुट है। ठीक है, इनपुट को इनपुट, आउटपुट को आउटपुट। हमें पता है कि जब हम आई 1 डिफाइन करते हैं तो ट्रेस वो इनपुट डिफाइंड होता है, जब 0 डिफाइन करते हैं तो आउटपुट होता है। और क्योंकि मैं पोर्ट बी की बात कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे ट्रेस बी का रजिस्टर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उसकी एक बिट की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे बिट्स लिखा है और आगे हमने बिट का नाम लिख दिया। ठीक है, इनिशियली हमने स्विच को डिफाइन किया है, वैल्यू उसकी 1 है, फिर हमने उसको वाइल 1 किया है। वाइल 1 पे करने के बाद जो है हमने नेक्स्ट काम जो क्या किया है, हमने कहा है कि जो हमारी बिट है उसको हमें उसको आपने आप ये कह लें कि हम उस बिट को बेसिकली टॉगल करें। टॉगल हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जब टॉगल करेंगे तभी हमारे पास वेव जनरेट होगी। ठीक है, पहले ये 1 था, टॉगल किया 0 हो गया, 1 किया टॉगल किया 0 हो गया। तो हमें एक्चुअली अगर आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझें तो हम इसको ये कर रहे हैं, ठीक है, यही कर रहे हैं। तो इसका मतलब इट विल फॉर्म अ वेव। अब इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो डिपेंड करता है ये टॉगलिंग कितनी जल्दी हो रही कितनी स्लो हो रही। अगर यहाँ पे ये इस टाइम से हो रही थी, अगर मैं इसको जल्दी जल्दी टॉगल कर दूँ तो वो इस तरह से टॉगल होगा। ठीक है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इस लिहाज से हमें टॉगलिंग का डिले कंट्रोल करना है तभी हम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर पाएंगे। फिर हमने यहाँ पे एक डिले का फंक्शन कॉल किया हुआ है दोनों जगहों पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या स्विच की वैल्यू 0 है। अगर स्विच की वैल्यू 0 है तो आप डिले 0 को कॉल करें, जो डिले 0 आपके सामने मेंशन हुआ है, और अगर स्विच की वैल्यू 1 है तो आप डिले के अंदर 1 भेजें। ठीक है, हम बेसिकली इस डिले के फंक्शन में एक कैरेक्टर को भेज रहे हैं जो यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है, राइट। पहले हम डिले के फंक्शंस को वॉइड मेन वॉइड डिफाइन कर रहे थे, राइट। वॉइड मेन वॉइड हम जो है void main void का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे पहले इस डिले फंक्शन के लिए। ठीक है, अगर आप पिछली वाली एग्जांपल में देखें यहाँ लिखा हुआ था void delay function and void, यानी कि ना कुछ ले रहा है ना कुछ दे रहा है। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि ये कुछ दे रहा है। ठीक है, वो क्या दे रहा है, दैट इज़ अनसाइंड कैरेक्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अनसाइंड कैरेक्टर क्या है कि अगर स्विच की वैल्यू 0 है तो डिले के फंक्शन में 0 सेंड करो, अगर 1 है तो वैल्यू 1 सेंड करो। तो अगर आपने ऊपर उसकी वैल्यू 1 सेट की होगी वो यहाँ के चेक करेगा, चेक करने के बाद वो यहाँ पे 1 डिले में सेंड कर देगा, अगर वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी तो फिर वो उसको 0 सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी कि ये फंक्शन में कोई वैल्यू जा रही है, राइट। अच्छा, अब हमें सबसे पहले अब हम डिले के फंक्शन में आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, लेट मी टेक माई पेन, तो डिले के फंक्शन में जाते हैं, सबसे पहले हम T0 कौन को सेट करते हैं। तो T0 कौन को सेट करने के लिए दिस इज़ 0, हम इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं 16 बिट मोड के अंदर, तो अगेन दिस इज़ अगेन 0। हम इंटरनल ऑसिलेटर ही यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ अगेन 0, ये भी 0 हो गया आपके पास। प्री स्केलर मैं कह रही हूँ मुझे यूज़ करना है सो दिस विल बी 0, और मैं 64 वाला इस्तेमाल कर रही हूँ सो दिस वुड बी 101। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 and 5। तो यहाँ पे हमने 0 and 5 लिख दिया, यानी कि क्या आंसर कैसे आया, 0 0 0 0 एंड देन वी हैव 0 1 0 1, सो दिस इज़ 0 एंड दिस वुड बी 5। ठीक है, सो हमारे पास हमने यहाँ पे 0 5 स्टोर कर दिया। अब मैं चेक करती हूँ जो वैल्यू यहाँ रिसीव हुई है वो 0 है या क्या है। तो अब मैंने जब यहाँ पे वैल्यू 0 रखी तो मैंने एक टाइमर को फंक्शन को चला दिया क्योंकि मुझे इतनी वाला डिले चाहिए था, और अगर ये वैल्यू 1 है तो मैंने एक और वैल्यू चला दी फंक्शन की। ये वो वैल्यूज आ गई कैसे कि भी हम इसको डिस्कस करते हैं, बाकी काम वही सेम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने टाइमर ऑन को ऑन किया, यहाँ पे हम फ्लैग को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम टाइमर को बंद कर रहे हैं जब ये फ्लैग हाई हो जाएगा, और फ्लैग को भी लो कर रहे हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपकी सेम वही हैं जो पिछले दफ़ा मैंने आपको ऑलरेडी 2 से 3 दफ़ा रिपीट कर दिया है। ठीक है, अब आ जाती है बात कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमने 500 हर्ट्ज़ पे क्या रखना है और 750 हर्ट्ज़ पे क्या रखना है। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप 500 हर्ट्ज़ की वेव बनाएं। ठीक है, ये आपकी कुछ लेट सपोज 500 हर्ट्ज़ की वेव होगी, इसका मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक की जो फ्रिक्वेंसी है दिस इज़ 500 हर्ट्ज़, सही है। अगर मुझे मुझे कैलकुलेट करना है ये डिले, ये वाली जगह कैलकुलेट करनी है, इसके बाद मुझे उसको टॉगल करना है। ठीक है, तो मेरा ये पार्ट कितना होगा, ये पार्ट होगा 250 का हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको 1/500 करती हूँ तो जो भी मेरा आंसर आएगा आई थिंक दैट वुड बी समथिंग अराउंड 4 मिली सेकेंड्स।
उस 4 मिलीसेकंड्स को मुझे हाफ करना पड़ेगा, यानी कि ये रीजन मेरा है 2 मिलीसेकंड्स का, ठीक है। अगर मैं इस 250 को ज़रा यहाँ से हटा दूँ टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, यानी पूरी वेव 500 की थी, 500 को हमने डिवाइड किया 1/500 किया, तो दैट वुड बी आंसर वुड बी कितना होगा, लेट डू इट फर्स्ट जस्ट अ सेकेंड। सो मैं 1/500 करती हूँ विथ आई विल गेट एन आंसर नॉट 4, इट्स 2 मिलीसेकंड, ठीक है जी। सो इसका मतलब ये कि पूरी की पूरी जो वेव है आपकी वो यहाँ से यहाँ तक की लेट्स सेकेंड, इसको ज़रा दोबारा से एक दफ़ा बनाते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। वी हैव वेव, ठीक है जी, 500 हर्ट्ज़ की वेव है, 500 का मैंने 1/500 किया तो ये वेव पूरी आ गई मेरे पास 2 मिलीसेकंड्स की, ठीक है जी। अब इस 2 मिलीसेकंड्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 मिलीसेकंड्स को मुझे करना पड़ेगा हाफ, क्योंकि मुझे इतने वाली जगह की बात चाहिए, दैट इज़ हेयर, फ्रॉम हेयर दैट इज़ 1 मिलीसेकंड, ठीक है। 1 मिलीसेकंड को हमने नोट डाउन कर लिया। अब मेरे पास क्योंकि 10 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है तो मैं क्या करूँगी, मैं 0.4 माइक्रोसेकंड्स को आई विल डिवाइड माई 1 मिलीसेकंड बाय 0.4 माइक्रोसेकंड्स, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी, अच्छा इसमें हमने क्योंकि एक अदद प्री स्केलर भी इस्तेमाल किया हुआ है तो ये डिवाइड किससे होगा, बाय 64 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो जब मैं अपने 1 मिलीसेकंड को 0.4 माइक्रोसेकंड्स और 64 से डिवाइड करूँगी तो आई विल गेट एन आंसर 39, मैं राउंड ऑफ करके बता रही हूँ, आंसर आएगा 39। इस 39 को मैं जैसे मैं पहले कर रही थी मैं वैसे दोबारा से करूँगी, 65536 में से मैं माइनस करूँगी 39, आई विल गेट एन आंसर व्हाट, आई विल गेट एन आंसर 65497, और इसको जब मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँगी तो आई विल गेट FFD9, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे फिट इन कर दी। सिमिलरली फॉर 750 हर्ट्ज ये प्रोसीजर क्या होगा, आप 750 हर्ट्ज का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, दैट इज हमने सबसे पहले क्या करेंगे 750 हर्ट्ज की वेव बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे 1/750 हर्ट्ज कितना होता है, 1/750 हर्ट्ज इज बेसिकली, लेट मी डू इट फ्रॉम द कैलकुलेटर, द वैल्यू वुड बी 1.33 मिलीसेकंड्स। इसका मतलब है कि पूरी वेव कितने की है, ये 1.33 मिलीसेकंड्स की है। अब क्योंकि मुझे इसका हाफ पार्ट के बाद इसको टॉगल करना है, डिले के बाद टॉगल होगा ये, तो मैं 1.33 को डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, सो आई विल गेट 0.66 माइक्रोसेकंड्स, या आप कह लें कि आई विल गेट हेयर 6.66 माइक्रोसेकंड्स, ठीक है। ये एक मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। अब मैं ये डिले मुझे चाहिए, इसके बाद टॉगल करना है, तो मैं इसको डिवाइड करूँगी किससे, 0.4 से, जो कि मेरा क्लॉक की फ्रिक्वेंसी है, टाइम पीरियड है सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 64 जितना मैंने प्री स्केलर इस्तेमाल किया है। इसको करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा, वी विल गेट एन आंसर 26। इस 26 को मैं माइनस करूँगी 65536 में से, आई विल गेट एन आंसर 65510। इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्स में, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। हेंस जब आपके पास डिले की अंदर जीरो जा रहा होगा, स्विच क्लोज होगा तो इतने टाइम का डिले आएगा, टॉगल हो रही होगी बिट, ठीक है। जब स्विच ऑन होगा तो इतना डिले आ रहा होगा, टॉगल हो रही होगी इस रेफरेंस से। अब इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि हम यहाँ पे लिखते इफ स्विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप माई बिट की वैल्यू सबसे पहले है 1 और एक डिले कॉल होता, देन आप लिखते इफ स्विच की माई बिट की वैल्यू है 0 और फिर दोबारा डिले कॉल होता, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, अगर आप ये एक्सोर ऑपरेशन नहीं यूज करना चाह रहे, सेम काम आप इसके लिए भी करते, ठीक है। अगर आप इसको इस वाले फंक्शन से नहीं बनाना चाह रहे कि हम कोई चीज़ इसमें पास करें इस फंक्शन के अंदर, हम सिंपली क्या करते हैं, हम डिले के 2 फंक्शंस बना लेते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जो कि मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, वो होती हैं। पहले फंक्शन में क्या होता है कि हम कहते हैं कि लेट मी टेक एन हाईलाइटर। पहले फंक्शन में आप लिखते वाइल वन, माई बिट को एग्जॉर करना है। एक्सोर का मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कि 2 तरीके हमारे पास एक्सोर को करने के क्या हैं, 3 तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं टॉगल करने के पिछली स्लाइड में, वही 3 आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्विच की वैल्यू 0 है तो एक डिले फंक्शन को कॉल करो जो कि वॉइड है, ठीक है, उसमें आप फिर 0 नहीं लिखेंगे, आप सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर आप इसमें ये वैल्यू लिखेंगे, फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे एंड ये लिखेंगे, ठीक है, एंड यू विल क्लोज योर फंक्शन।
फिर आपने इसके अंदर एक बात जो याद रखने की है, आपने ये वैल्यू नहीं लिखनी अंदर, ये वैल्यू नहीं आएगी इसके अंदर, ये सिंपल वॉइड फंक्शन होगा। फिर आप क्या करते हैं, आप एक सेकेंड फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होता है टू डी एस डिले वन, दिस इज डिले जस्ट अ सेकेंड, दिस इज डिले वन फंक्शन, हम इसको कह देते हैं डिले टू फंक्शन, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके वॉइड होते हैं, ठीक है, ये वॉइड होते और इसमें हम कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे भी कुछ नहीं, सिंपली ब्रैकेट्स होते हैं, दैट्स इट। अब आप डिले वन फंक्शन जब कॉल करते तो ये इसी तरह से दोबारा से लिखते, वॉइड का फंक्शन बनाते, उसमें दोबारा से आप डिले का फंक्शन बनाते, ठीक है, और अगर आप जो है डिले फंक्शन बनाने के बाद दोबारा से आपने क्या करना था, दोबारा से आपने यू हैव टू डिफाइन अगेन इन द सेकेंड फंक्शन टी कॉन, दोबारा से ये वैल्यू लिखते, ये वैल्यू लिखते, ये वैल्यू लिखते, दोबारा से ये वाला फंक्शन बना देते, तो अब आपके पास दो फंक्शंस होते, यू हैव टू फंक्शंस, दो, एक होता है डिले वन, एक होता है डिले टू, एक होता है डिले अंडरस्कोर 500 हर्ट्ज, एक होता है डिले अंडरस्कोर 750 हर्ट्ज, दोनों फंक्शन वॉइड होते, जब आपने स्विच की वैल्यू जीरो होती है तो आप डिले अंडरस्कोर 500 हर्ट्ज को कॉल करते वॉइड फंक्शन को, और जब स्विच की वैल्यू 750 हर्ट्ज होती है तो आप डिले अंडरस्कोर 500 एंड हर्ट्ज 750 हर्ट्ज को कॉल करते और उसकी इंफॉर्मेशन लिखते। तो उसमें मसला सिर्फ ये होता कि आपको ये वाली स्टेटमेंट्स टी जीरो कॉन की और ये स्टेटमेंट्स दोबारा लिखनी पड़ती, प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो जाता। इस तरीके से हमने प्रोग्राम को थोड़ा छोटा बनाया, तो ये दोनों तरीके सही हैं, बोथ द वेज आर करेक्ट। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू मेंशन दिस एग्जांपल इज कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट ली हुई हैं, जो हमारी आई हैं 998 ली हुई है, हमारी 1 मिली सेकेंड 1 के करीब आ रही थी, यहाँ इन्होंने 666 ली हुई है, हमारी जो है वो कुछ वैल्यू जो है लास्ट डिजिट डिफरेंट आ रहा था। वो रीज़न ये है कि वो कह रहे हैं कि 500 हर्ट्ज़ तो हम एग्जैक्टली नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए हम 501 हर्ट्ज़ कर रहे हैं, और इसी तरह हम 750 नहीं क्रिएट कर सकते, हम 751 ले रहे हैं। तो ये बहुत ही उसका एक्यूरेट एनालिसिस के लिए यूज हुई है। जो मैंने आपको तरीका बताया है वो क्या है कि डिले जो भी है उसको डिवाइड करना है 0.4 से, अगर प्री स्केलर नहीं है, अगर प्री स्केलर है तो उससे भी डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको आपने 65536 से माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा उसको आपने हेक्स में कन्वर्ट करके वैल्यूज पुट इन करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो आप चेंज कर सकते हैं विथ योर ओन वे ऑफ प्रोग्रामिंग, वरना चाहें तो एग्जैक्ट ये वाला भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हमने मेंशन किया, राइट अ C18 प्रोग्राम टू क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2500 हर्ट्ज ऑन पिन पोर्ट बी, यूज टाइमर 1 टू क्रिएट अ डिले। अब अगर मैं आपसे सिर्फ, मैंने क्वेश्चन में टाइमर 0 की जगह टाइमर 1 चेंज कर दिया है तो फर्क क्या हुआ, फर्क सेम वही हुआ, हमने सबसे पहले 25 हर्ट्ज को 400 माइक्रो सेकंड्स किया, फिर हमने 400 को डिवाइड बाय 2 किया ताकि हमारे पास एक पार्ट को आ जाए जहां हमें उसको टॉगल करना है, हमने वो लिखा, फिर क्योंकि कोई प्री स्केलर नहीं है तो डायरेक्ट मैंने 0.4 से डिवाइड किया, जो आंसर आया 65536 से माइनस किया, जो आंसर आया वो मैंने टाइमर में लिख दिया, ठीक है, जैसे हमने नॉर्मली किया था। फर्क कहां पर आया, ऊपर वाला फंक्शन अगर आप देखें तो वो भी फंक्शन सेम वैसे ही है, बिट्स डिफाइन की हैं, टॉगल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एंड ये वाला काम किया। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आपकी कुछ जगहों पर आया है, वो फ़र्क कहाँ पे है, लेट्स सी दैट। नंबर वन, अब मैं टी जीरो कॉन को कॉल नहीं कर रही, अब मैं टी वन कॉल को कॉल कर रही हूँ, ठीक है, नाउ आई एम कॉलिंग टी वन कॉन। तो इसी तरह से जैसे टी जीरो कॉन का कोई रजिस्टर है, इस तरह से कोई टी वन कॉन भी होगा। फिर नंबर टू, मैं जो रजिस्टर से वैल्यू डाल रही हूँ, मैं टाइमर 0H और टाइमर 0L में ही डाल रही, मैं टाइमर 1H और टाइमर 1L में डाल रही हूँ, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट टाइमर 1। तो इससे भी एक ये रजिस्टर में चेंजेस आ गए, ठीक है। फिर मेरे पास जो ऑन कर रही हूँ वो भी आपका टी वन कॉन में टाइमर 1 ऑन की बेटा, पहले यहाँ पे 0 लिखा हुआ था, वहाँ पे जो मेरा टाइमर 0 का जो इंटरप्ट फ्लैग था वो था इंट कॉन रजिस्टर के अंदर, यहाँ वो रजिस्टर किस रजिस्टर में, यहाँ पे वो PIR1 रजिस्टर के अंदर है, रजिस्टर डिफरेंट है बट काम सिमिलर है। तो हमने ऑन भी इसी को किया और यहाँ पे हम इसको ऑफ भी इसी को कर रहे हैं। तो बताने का मकसद यहाँ पे पूरी ये एग्जांपल डिस्कस करने का रीज़न ये है कि इफ़ योर टाइमर चेंजेस और इफ़ योर कंट्रोलर चेंजेस, योर प्रोग्रामिंग रिमेंस द सेम, योर एल्गोरिथम रिमेंस द सेम, योर कैलकुलेशंस रिमेंस द सेम, व्हाट्स गेट डिफरेंट इज ओनली द रजिस्टर नेम्स। आप जिस भी कंट्रोलर में काम कर रहे होंगे, चाहे वो पिक है या पिक की कोई भी फैमिली का कंट्रोलर है, उसमें सिर्फ रजिस्टर्स के नाम चेंज होंगे, रजिस्टर्स जो भी आपने डिफाइन किए हैं, अगर कहीं वो फ्लैग का रजिस्टर, कहीं इंट कॉन है, कहीं वो PIR1 है, सिर्फ वो डिफरेंट होगा, अदर देन दैट एवरीथिंग इज द सेम। प्रोग्रामिंग करने का एल्गोरिथम सेम है, मेथड सेम है। यहाँ पे ये स्लाइड दिखाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपको ये रजिस्टर्स भी याद होने चाहिए,
मैं आपको कोई भी प्रोग्रामिंग का सवाल दूंगी, उसमें रजिस्टर्स गिवन होंगे, वैल्यूज गिवन होंगी, आपने सिर्फ प्रोग्रामिंग का एल्गोरिथम लिखा होना होगा, यानी कि यू जस्ट नीड टू राइट द कोड, ठीक है। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है जो इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज कि सिर्फ उनके जो रजिस्टर्स स्पेसिफाइड होते हैं वो डेटा शीट से देखे आपको प्रोग्रामिंग में चेंज करना होगा, बाकी सब काम आपके सिमिलर होंगे, ठीक है। ओके, अब एक कुछ एग्जांपल काउंटर्स की देख लेते हैं। दैट इज द सेकंड लास्ट स्लाइड हियर, व्हिच इज अज्यूम अ 1 हर्ट्ज एक्सटर्नल क्लॉक इज बीइंग फेड इनटू द पिन TOCKIRA4, यानी कि एक 1 हर्ट्ज की जो है वो हमारे पास एक ये जा रही है वेव इस वाली पिन के अंदर। राइट अ C18 प्रोग्राम फॉर काउंटर 0 इन 8-bit मोड। हमारा मोड क्या डिफाइंड हुआ हुआ है, 8-bit है, काउंटर है, ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं ये जहन में रखनी है। टू काउंट अप एंड डिस्प्ले द स्टेट ऑफ टाइमर 0, आपने डिस्प्ले करनी है स्टेट ऑफ इसकी। अब क्योंकि ये 8-bit का है तो इसका मतलब है कि लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू इसकी कितनी होगी, 8 0 होंगे, जिसका मतलब हुआ 00H, और हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 255, यानी कि 8 1s, ठीक है। तो 2 की पावर 8 करेंगे तो 256 हो जाएगा, दैट मीन्स 8 1s इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। इसलिए हम टाइमर 0H की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ टाइमर 0L की बात कर रहे हैं, H की बात नहीं कर रहे, बिकॉज H हो गई नहीं, सही है। तो सबसे पहले हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया बाय डिफाइनिंग द डायरेक्टरी, जो कि आपके सामने यहाँ पे डिफाइन हो गई है। फिर हमने वॉइड में वॉइड का फंक्शन कॉल किया है, हमने इसमें पोर्ट ए की जो बिट है जहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं वो कौन सी है, ट्रिस ए बिट्स, ट्रिस ए का रजिस्टर है, क्योंकि मैं एक बिट की बात करूँ इसलिए बिट्स डॉट ट्रिस ए फोर आर ए फोर ए फोर सॉरी तो मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया इज इक्वल टू 1। फिर मैंने, क्योंकि पोर्ट बी पे मेरा आउटपुट है वहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है, सो आई हैव डिफाइंड द कंप्लीट पोर्ट बी एज आउटपुट, ठीक है। फिर मैंने टी जीरो कॉन को सेटअप किया, मैं टी जीरो कॉन को कैसे सेटअप किया, लेट्स सी दैट। टाइमर को इनिशियली हमने जो है वो आपके सामने उसको हमने ऑफ रखना है, तो इट इज 0, क्योंकि मैं इसको 8-bit के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करूँ तो दिस वुड बी 1। क्लॉक की जो सोर्स है वो ऑसिलेटर नहीं है, वो आपकी आर ए फोर पिन है, तो दिस इज ऑल्सो 1। हाई टू लो हमें ट्रांजिशन इसमें करना है तो हम इसको 0 ले लेते हैं। एंड प्री स्केलर हमने आई थिंक यूज़ करना है, नो वी डोंट नीड टू यूज़ एनी प्री स्केलर, यूज़ करना है नहीं करना, सो दिस इज़ वी हैव टू बाईपास इट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएंगे 3 अदर जीरोस। तो हमारे पास ये बाइंड्री नंबर क्या बना है, 0110 एंड वी हैव 1000, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज 6 एंड दिस इज 8, 68H हमारे पास आंसर आया, तो हमने T0 कॉन में ये वाली वैल्यू पुट इन कर दी, ठीक है। इनिशियली हमने जो अपने इसको काउंटर को 0 सेट किया, हमने वाइल 1 किया, डू क्या किया, टाइमर 0 बिट की टाइमर को ऑन कर दिया। अब जब हमने जैसे ही इसको ऑन किया इसने अपनी काउंटिंग करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब ये काउंटिंग कर रहा है किसको काउंट कर रहा है, जो पल्सेस आ रही हैं उसको काउंट कर रहा है। कौन सी पल्स को काउंट कर रहा है, आपकी लो टू हाई पल्सेस को काउंट कर रहा है, ठीक है। और जो भी वैल्यू काउंट होगी वो कहाँ काउंट हो रही होगी, वो आपकी इस रजिस्टर में काउंट हो रही होती है, ठीक है। वो रजिस्टर को हमने सिंपली लिख दिया कि वो वैल्यू चली जाए पोर्ट बी के ऊपर। 0 आया 0 चला गया, 1 आया 1 चला गया, 2 आया 2 चला गया और 256 चला गया। जाने के बाद जब आपके पास ये काम हो रहा है उसके बाद क्या है, आपने यहाँ पे देखा कि ये बात जब कंप्लीट हो गया तो आपने देखा फ्लैग तो आपका हाई नहीं हो गया, यस फ्लैग हाई हो गया, फ्लैग को चेक करते जा रहे हैं आप। जैसे ही फ्लैग हाई होगा आप टाइमर को ऑफ करेंगे, आप अपने फ्लैग को ऑफ करेंगे एंड योर प्रोग्राम विल गेट फिनिश्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको काउंटिंग की एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, अज्यूम दैट अ 1 हर्ट्ज एक्सटर्नल क्लॉक इज बीइंग फेड इनटू योर TO क्लॉक पिन, सेम वही प्रोग्राम है। अब हम काउंटर 0 को यूज करें 16-bit मोड में। इसका मतलब क्या हुआ कि 16-bit का मतलब क्या है कि अब हमें एटलीस्ट 2 रजिस्टर्स चाहिए, बिकॉज 8-bit का काम हमारा टाइमर 0H में होगा और 8-bit का टाइमर 0L में होगा। अब क्योंकि 2 रजिस्टर्स हैं तो इसका डेटा भी 2 जगह डिस्प्ले होगा, एक जो होगा वो पोर्ट डी पे होगा, एक पोर्ट बी पे होगा, ठीक है। तो सारे काम हमने वैसे ही किए जैसे पहले किए थे, हमने वॉइड मेन वॉइड डिफाइन किया, हमने अपने इसको ट्रिस पोर्ट ए बिट्स ए फोर को हमने इनपुट के लिए डिफाइन किया, हमने पोर्ट बी को पूरा 0 किया, हमें आउटपुट भेजना है, पोर्ट डी को आउटपुट भेजना है। फिर हमने टी जीरो कॉन में जो है वैल्यूज पुट इन की, दिस वुड बी 0, 16-bit है तो ये भी 0 होगा। हम एक्सटर्नल क्लॉक यूज़ कर रहे हैं सो दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 0 एंड बाईपास करें हम प्री स्केलर को सो दिस वुड बी 1 एंड 0 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2 8। 2 5 क्यों आ रहा है यहाँ पे, अच्छा इन्होंने प्री स्केलर हमें यूज़ करने को कहा है, ओके दे हैव यूज द प्री स्केलर ऑफ 64, आई एम नॉट यूजिंग इट, आपकी मर्जी, अगर लिखा हुआ नहीं है तो मेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 8, ठीक है। हमने दोनों को 0 डिफाइन किया, सेम वही प्रोग्राम है, हमने टाइमर को ऑन किया, जो भी वैल्यू लोअर पे थी उसको पोर्ट बी पे भेजा,
जो भी वैल्यू हायर बाइट पे आ रही है उसको पोर्ट डी पे भेजा, एंड देन हमने उसको सिंपली अपने जब ये हमारा काउंट पूरा हो जाएगा तो हम इसको ऑफ कर देंगे, दोनों चीज़ों को हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, वॉट वी हैव डिस्कस्ड इज द टाइमर्स एंड काउंटर्स प्रोग्रामिंग इन इन योर पिक यूजिंग सी लैंग्वेज। अच्छा, इसके आपकी बुक के अंदर और भी बहुत ढेर सारे मोड्स मौजूद हैं, और भी टाइमर की टाइप्स मौजूद हैं, मैं वो स्किप कर रही हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। अगर आप उसको इसको आप लोग भी काइंडली स्किप कर दें बिकॉज सिलेबस का कॉन्टेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, तो वो एंड टाइम पर आपको फाइनल से प्रॉब्लम होगी। सो दैट इज़ इनफ कि वी हैव ऑलरेडी एन आइडिया हाउ टू डील विद द टाइमर्स एंड काउंटर्स बाई यूजिंग सी लैंग्वेज फॉर पिक कंट्रोलर्स। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज, और वो जो मैंने आपको 750 हर्ट्ज और 500 हर्ट्ज वाला चीज़ समझाई, अगर उसमें कोई मसले मसाइल हैं, कम टू द ऑनलाइन सेशन जो कि हम इंशाल्लाह वेनसडे को कंडक्ट करूँगी मैं आपके इस वीक वेनसडे, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।